एप्लीकेशन पेपर बनाते हैं, रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं। इसी के साथ हमारे पास बच्चों के लिए दो कंप्यूटर लैब्स हैं, एक जूनियर कंप्यूटर लैब जिसमें हमारे छोटे बच्चे कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते हैं, और एक हमारे पास सीनियर कंप्यूटर लैब है जिसमें हमारे पास मिडिल रैंक के स्टूडेंट, सेकेंडरी रैंक के, सीनियर सेकेंडरी रैंक के स्टूडेंट्स अपना प्रैक्टिकल्स करते हैं। दोनों लैब्स में 40-40 सिस्टम्स हैं, और इसी तरह बच्चों के मैथमेटिक्स के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने के लिए हमारे पास मैथ्स गार्डन बना हुआ है, जहाँ बहुत सारे मॉडल्स बने हुए हैं जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को मैथ्स के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करवाते हैं। जैसे कि ये एक मॉडल है, यहाँ अगर आप देख रहे हो ये हमारी जो पॉड लगी हुई है वो भी सारी मैथमेटिकल शेप्स में बनी हुई है। इसी तरह हमारे पास प्रैक्टिकल्स के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स लैब है। हमारे यहाँ लैब्स की रेनोवेशन चल रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि नए सेशन में जब बच्चे हमारे पास आए तब तक हमारी लैब रेनोवेशन के। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे हमारी केमिस्ट्री लैब है, फर्स्ट फ्लोर लैब और जूनियर साइंस लैब है। इधर ऊपर सीनियर सेकेंडरी विंग और सेकेंडरी विंग है, इसके अलावा हमारी फिजिक्स लैब है, जूनियर साइंस लैब है, और हमारा नया प्रोजेक्ट जो है वो अटल लैब है जो ऊपर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जल्दी नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है वो बच्चों को इंट्रोड्यूस से कर पाएंगे। ये हमारा मिडिल विंग है क्लासेस 6 to 8 के लिए, और ये हमारा कॉलोनी के बच्चों का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से हमारे कॉलोनी के बच्चे आते हैं, बाहर सोशल साइंस गार्डन है। बच्चों को हम खुली हवा में प्रकृति के साथ पढ़ाते हैं, ये वॉशरूम हमारे बच्चों के लिए। और हमारे स्कूल में हमारे पास फैकल्टी सिस्टम है, ये हमारी सोशल साइंस फैकल्टी है, अलग अलग डिपार्टमेंट है और टीचर्स सब अपने एनरिचमेंट के लिए इकट्ठे होके बैठते हैं जिससे कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट उनका हो सके। इधर हमारे वर्कशॉप है जहाँ बच्चे उतरते हैं एंड दे एंटर इन द ग्रेड, एंड बिल्कुल पास में हमको रखा गया ताकि एंट्री उनकी इजी हो जाए। इधर बसेस पार्क होती हैं जहाँ से हम लोग उनको सैनिटाइज करके सारा उतारते हैं जो भी बच्चे आ रहे हैं, और उसके बाद छोटा बच्चा तो उस ग्रेड से जाते हैं, बाकी बड़ा बच्चा। हमारे यहाँ बाहर से बहुत सारे पेरेंट्स भी विजिट करने आते हैं और देखते हैं कि इतना अच्छा और इतने ब्लाउज हमें कहीं नहीं देखे हैं। गूगल का भी हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे डीएवी थर्मल में, उसमें एक हमारे पास एक ट्रैक है 400 मीटर का, जिसकी जो 4x2 जो 6 लेन का ट्रैक है हमारे पास पूरा, और ट्रैक जो है इसमें बच्चे एथलेटिक का जितने भी ट्रैक इवेंट होते हैं वो होते हैं, अंदर भी इवेंट होते हैं। और एक हमारे पास सबसे पहले जो एथलेटिक मीट हुई थी 1996 में वो इसी ट्रैक पर हुई थी, और इस ट्रैक के साथ में ही हमारा एक क्रिकेट ग्राउंड है। इसमें क्रिकेट ग्राउंड में भी बहुत अच्छे अच्छे मैच हुए हैं, हमारे पास रणजी ट्रॉफी तक के मैच हुए हैं, प्री रणजी ट्रॉफी हुए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के भी मैच हुए हैं, उसके बाद महात्मा हंसराज हमारे मैच होते थे, उसके बाद अब जो चालू हुआ है हमारा डीएवी नेशनल स्पोर्ट जो पिछले साल भी हमने ऑर्गेनाइज कराया था, इसमें 25 गेम जो हमारे टोटल हुए थे ये सब इसी कैंपस के अंदर हुए। और हमारे पास और भी बहुत ग्राउंड है, हैंडबॉल का ग्राउंड हमारे पास है, उसके बाद बराबर में वॉलीबॉल का ग्राउंड है, ये अभी आप देख रहे हो, जो बास्केटबॉल के 2 ग्राउंड है, इसमें हमारे पास लाइटिंग सिस्टम है जो हम रात को भी मैच करा सकते हैं इस तरह से। इसके बराबर में खो खो ग्राउंड है,
खो खो ग्राउंड के साथ में ही हमारे पास स्टेडियम है, जो इंडोर गेम हमारे जितने भी हुए थे सब स्टेडियम में के अंदर हमारे इंडोर गेम्स के जितने भी थे, जूडो थे, मार्शल आर्ट के जितने गेम थे, ताइकांडो था, कुछ हमारे बाहर भी हुए थे, लाइट में हुए थे। इसके साथ साथ इसकी बराबरी सिमिलर हमारा एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड के साथ साथ हमारे उसमें लॉन्ग टेनिस ग्राउंड है, लॉन्ग टेनिस अभी हमारे मैच हुए थे रात को, वो भी हमारे लाइटिंग सिस्टम था चल रहा था। उसके बाद बॉक्सिंग रिंग है हमारे पास, बहुत अच्छा रिंग है, बॉक्सिंग रिंग है जो बहुत कम डीएवी स्कूलों में होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा जो है बच्चे जो जाते हैं उसमें, हॉर्स राइडिंग का ग्राउंड है। इसके साथ साथ हमारे जितने भी नर्सरी में है स्केटिंग की हमारे पास जो है वो बहुत बड़ा अच्छा ग्राउंड है, जो हमने स्केटिंग का जो टूर्नामेंट होता है वो भी हमने कराया हुआ है, बहुत अच्छे लेवल पर नॉर्थ जोन तक हमने सीबीएसई कराया है, सीबीएसई के बहुत अच्छे टूर्नामेंट कराए, डीएवी के हमने अपने नेशनल टूर्नामेंट कराए हुए हैं। इसके साथ साथ और भी हमारे पास जो ग्राउंड है मार्शल आर्ट के ग्राउंड के बाद एक स्विमिंग पूल है हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास दो स्विमिंग पूल हैं, एक ऊपर का स्विमिंग पूल है, एक नीचे का स्विमिंग पूल है, और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे अभी स्विमिंग में भी बड़े अच्छे रिजल्ट हमारे हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक के बच्चों के रिजल्ट हैं, इनके वजह से बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे एडमिशन भी हुए हैं। जो उसके साथ साथ हमारे यहाँ इंडोर गेम की भी फैसिलिटी है, इंडोर गेम में जैसे चेस है, कैरम है, जिम है हमारे पास, टीटी की हमारे पास 6 टेबलें हैं। इसके साथ साथ हमारे इंडोर गेम्स भी हैं और जो और भी गेम हैं जो हमारे बच्चे जाते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग का है, इसमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा डीएवी का एक पूरा डेवलप है, और हमारा जो डीएवी के जितने भी गेम्स होते हैं वो सब एफआई से जब एफिलेटेड हुए हैं तो उसके बाद हमने और भी स्ट्रक्चर और आगे बढ़ाने के लिए जो टोटल 25 गेम हुए थे उसके साथ साथ अब हम वो सोच रहे हैं कि इसमें और जो गेम है वो भी कराया जाए। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है डीएवी का। तो हम लोग गेम्स के प्रति बच्चों को बहुत जागरूक करते हैं और बच्चों को कोई भी गेम जो है स्पोर्ट्स का वो एक्टिवेट करो या उसको पार्टिसिपेट करो। थैंक यू।